बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेस हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है तो वो है बेसिक डिफिनीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक डिफिनीशंस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एटम के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एटम? तो एटम पहले जो है तो एटम को जब डिफाइन किया जाता था तो इनडिविजिबल पार्टिकल के बेस पे उसको डिफाइन किया जाता था कि भाई एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब उसकी और जो है तो स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी आ गई उसमें, तो मतलब एटम को जब हम देखें एटम के स्ट्रक्चर को तो भाई हमारे पास है एटम में शेल्स हैं और न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सो दीज पार्टिकल्स आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इनको कहते हैं। तो उसके बाद जो है तो एटम की प्रॉपर डिफिनीशन आप जो है तो ऐसे करेंगे कि भाई इट मे नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मेटल व्हिच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। मे आर मे नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन एटम को ले लें, हाइड्रोजन एटम को, तो हाइड्रोजन एटम जब एटॉमिक फॉर्म में होता है तो ये बहुत रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ये आगे फिर हम पढ़ेंगे कि भाई ये वैलेंस शेल थ्योरी क्या है, इसमें जो है तो ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल क्या है। तो हाइड्रोजन सिर्फ इस स्टेज पे इतना समझ लें कि भाई हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमारे पास H2 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब हाइड्रोजन जब एटॉमिक फॉर्म में होता है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो डिफिनीशन के मुताबिक हम कहते हैं कि भाई एटम इज अ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। तो मे नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर का जो पॉइंट है वो यहां से एक्सप्लेन हो गया है। अब मे एग्जिस्ट फ्री इन नेचर का मतलब क्या है? मतलब जब हम नोबल गैसेस की तरफ चले जाए, मतलब पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में कि भाई हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 8 के स्पीशीज हैं या ग्रुप नंबर 8 के जो एलिमेंट्स हैं तो उसको कहते हैं नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनान, ये जितने भी हैं ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। नोबल गैसेस इनको क्यों कहते हैं? नोबल गैसेस जिस तरह नोबल नेम से डिस्क्राइब है कि भाई ये मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 8 में पाए जाते हैं तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी वैलेंसी ऑक्टेट रूल के मुताबिक इनकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये मतलब अगर एटॉमिक फॉर्म में आप देख लें इसे तो ये रिएक्शन मतलब उस तरह नहीं करते, तो ये फ्री रह सकते हैं। तो इसी वजह से जो डिफिनीशन का दूसरा एस्पेक्ट है कि भाई एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्री नेचर। तो मे नॉट एग्जिस्ट फ्री नेचर का कंसेप्ट हाइड्रोजन से आपको समझ आ गया होगा और जो मे एग्जिस्ट फ्री नेचर वो जो है तो नोबल गैसेस से आपको समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद जो मेन पॉइंट है मतलब बेसिक डिफिनीशंस में वो है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है? तो एलिमेंट्स इज द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस, सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है वो एलिमेंट कहलाता है। तो सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस एन एलिमेंट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, ठीक है? देयर आर मोर देन 100 नॉन एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स लिस्टेड ऑन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कुछ जो है तो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा दीज एलिमेंट्स कंबाइन इन सच अ वे टू क्रिएट मिलियंस ऑफ कंपाउंड।
ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो एक खास रेशियो के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो अब बॉन्ड क्या चीज है, तो फर्दर जो है तो आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई केमिकल बॉन्ड्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर एक बॉन्ड की। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि भाई जो बॉन्ड है वो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज जब कंबाइन होते हैं तो वो बॉन्ड बनाते हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि भाई हमारे पास मेटल है नॉन मेटल है, तो उसके बेस पे मुख्तलिफ बॉन्ड जो है तो एक्सप्लेन होते हैं। All elements are made of atoms. तो atoms जो है तो for example element को देखें, एक element है for example hydrogen है, oxygen है, nitrogen जो भी आप लेंगे तो वो similar type of atoms से बनते हैं। Atoms of the same element are alike और atoms of different elements are different. अच्छा फिर बात आती है कि भाई जो एटम है उसके अपने सैंपल्स हैं, हर एक एटम का अपना एक स्पेसिफिक सैंपल होता है, उस सैंपल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो बेस किया गया है वो उसके मतलब नेमिंग और अरेंजमेंट और उसके जो सैंपल्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बेस पे उसको जो है तो मतलब उसकी क्लासिफिकेशन हुई है। तो हर एक एटम हर एक एलिमेंट जो है तो वो एक स्पेसिफिक सैंपल से रिप्रेजेंट होता है। और वो कैसे जो है तो मतलब स्टार्ट हुआ, तो ये देखिए इन 1813 अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स विद सिंबल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ईच सिंबल कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स। एक एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दूसरी तरफ देख लें तो हीलियम है, तो हीलियम हाइड्रोजन भी स्टार्ट एच से होता है और हीलियम भी एच से स्टार्ट होता है। तो ये फिर डिपेंड करता है कि भी जो एलिमेंट पहले डिस्कवर हुआ है, तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पहले डिस्कवर हुआ है तो वो एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जब हीलियम की डिस्कवरी हुई है तो हीलियम भी चूंकि एच से स्टार्ट हो रहा है तो उसको फिर मतलब एच सैंपल से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको फिर एक दूसरा लेटर उसके साथ मिला के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम को एच ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की एग्जाम्पल ले लें तो नाइट्रोजन के रिप्रेजेंट करते हैं एन से। जब दूसरी तरफ देख लें फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ नियॉन है, तो नियॉन को फिर रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो ये मतलब इससे हमें पता चलता है कि जो एटम पहले डिस्कवर हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन पहले डिस्कवर हुआ उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जब नियॉन की डिस्कवरी हुई है तो फिर वो सिंबल एन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का सिंबल ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था कि भाई ये एन से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन जो है तो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हुआ था। तो इसी वजह से नियॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज हुआ है एन की। ठीक है, तो ईच सिंबल कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स। टू लेटर्स आर नीडेड फॉर अ केमिकल सिंबल व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट एलिमेंट्स नेम हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। एलिमेंट्स देख ले आप यहाँ पे, अ सैंपल ऑफ लेड एटम्स ऑल एटम इन द सैंपल कंसिस्ट ऑफ लेड सो द सब्सटेंस इज होमोजेनियस। आगे के लेक्चर्स में मिक्सचर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई होमोजेनियस क्या है, हेटरोजेनियस क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि भाई होमोजेनियस मतलब यहाँ पे अगर आप इस मिक्सचर को देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये जो रेड रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये लेड के एटम्स हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो सारे यहाँ पे जो कंटेनर है या ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है तो इसमें सारे लेड के एटम्स पड़े हुए हैं, इसमें कोई अदर जो है तो वो एटम नहीं है या कोई अदर एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो ये सारी ये जो मतलब आप ग्राफ देख रहे हैं तो ये सिंपल एक लेड के एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो सारा फेज या सारा स्ट्रक्चर ये सारा सेम है, तो इसी वजह से ये एक होमोजीनियस है। होमो मींस सेम और जीनियस मींस फेज। ठीक है, तो सारे यहाँ पे लेड के एटम्स पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लेड के अलावा और कोई एटम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन आ जाए या कोई अदर
मेटल और आ जाए, आयरन आ जाए, तो उसको अगर आप देखें तो फिर ये होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक मोइटी के अलावा अदर भी इसमें फिर मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ देख लें कि भाई क्लोरीन के एटम्स यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं ये ब्लू डॉट्स, तो ये सारे क्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं, तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर NaCl का सोल्यूशन हो जाए, तो NaCl को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फिर क्लोरीन के अलावा सोडियम के मतलब पार्टिकल्स भी नजर आएंगे, तो ये फिर होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, ये फिर हेटरोजीनियस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह के सैंपल नहीं है, मतलब क्लोरीन भी है उसके अलावा सोडियम भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटल्स और नॉन मेटल्स का जिक्र यहाँ आ गया है, तो मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, तो मेटल्स नॉन मेटल्स ये टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो किसी खास कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मेटल्स अगर आप देख लें तो मेटल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे इनको मेटल्स में जो है तो मतलब मेटल्स का नाम यह है, मेटल्स में उसको जो है रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, आयरन है, और जो है तो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से अपोजिट है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज से अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको नॉन मेटल्स में रखा गया है, जिस तरह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह। ठीक है, तो आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे नंबर वन प्रॉपर्टी जो है तो वो क्या है, वो है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये जो है तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस को आप मेटल या नॉन मेटल में जो है तो रख सकते हैं। अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो वो मेटल में आप रखेंगे, अगर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो वो नॉन मेटल में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेटल्स जो है तो वो शाइनी इन अपेरेंस होते हैं, जितने भी मेटल्स आप देख लें, मर्क्यूरी देख लें, आयरन देख लें, तो ये सारे क्या है, एल्यूमिनियम देख लें, तो उनकी अपेरेंस जो है तो वो शाइनी है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो यूजुअली डल होते हैं, मतलब उसकी जो सर्फेसिस हैं वो शाइनी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट वो है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। मेटल्स जो है तो वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो वीक एंड सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, फिर है पॉइंट नंबर फोर, तो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टीज हैं मेटल की। तो मेलिएबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी क्या है, तो मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है कि किसी भी चीज से अगर आप शीट्स उसको हैमर्ड करके आप शीट्स बना सकते हैं, तो इट मींस ये सब्सटेंस जो है या ये चीज ये मेलिएबल है। इसके अलावा जो डक्टिलिटी है, तो डक्टिलिटी अलग प्रॉपर्टी है, जो डक्टिलिटी हम किसे कहेंगे कि भाई किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज को आप मतलब उसको प्रोसेस करके या हैमर्ड करके उससे जो है तो वायर्स वगैरह बना सकते हैं, तो वो चीज डक्टाइल कहलाएगी और इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। अच्छा, ये जो है तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो जितने भी वायर्स आप देख लें, कॉपर के वायर्स देख लें या अगर एल्यूमिनियम शीट्स देख लें, तो ये सारे मेटल्स हैं जिसमें मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं तो वो ब्रिटल होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर फाइव जो लास्ट पॉइंट है मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएशन के लिए, तो वो है सोनोरस, मतलब मेटल्स को जब आप हैमर्ड करते हैं तो वो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो लाउड साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो ये है सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेटल्स जितने भी मेटल्स आप देख लें तो वो सोनोरस है, मतलब लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप उसको हिट करते हैं या हैमर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं तो वो है नॉन सोनोरस। तो अगर आप देख लें जितने भी नॉन मेटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सैंड देख लें, मतलब सिलिकॉन है, ठीक है, इसके अलावा कार्बन है, तो जितने भी ग्रेफाइट आप देख लें, तो ये सारे क्या है, तो ये नॉन सोनोरस है।
ठीक है, अगर आप उसको हिट करेंगे तो वो टुकड़ों में जो है तो मतलब बिखर जाएंगे, लेकिन वो लाउड साउंड उसमें प्रोडक्शन उसकी नहीं होगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक डिफिनीशंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटल्स को मेटल्स क्यों कहते हैं, नॉन मेटल्स को नॉन मेटल्स क्यों कहते हैं, किस प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल्स नॉन मेटल्स से जुदा है। ठीक है, तो ये सारा जो है तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, तो ये हमने पढ़े मेटल्स और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।